मटन आप चेक कीजिए कितना अच्छा टेंडर हो गया है, अच्छे तरीके से गल गया है। हमारे टाइम ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये हमारे पास है मटन, अच्छी तरह हमने इसको वॉश कर लिया है। अब इसको लहसुन अदरक के साथ हम इसको भूनेंगे। लकड़ी की आग पर बना हुआ मटन, आला खुशबूदार मटन हम तैयार करेंगे। इसको हमारा फ्राई करने का मकसद ये है कि जो मटन में जो स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है भुनाई की वजह से, बड़ा अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। पाँच मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करने के बाद 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर प्याज जो है वो शामिल कर देंगे। पानी ड्राई हो गया, अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये चॉप टमाटर है हमारे पास, अब ये शामिल कर देंगे। और इनको मिक्स करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि डेली हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिए। साथ हम मसाले शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक है, 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी सिरप में, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। आप अपने जायके के मुताबिक नमक मिर्च मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
उसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें दही शामिल करेंगे, आधी प्याली इसकी बुनाई करेंगे। ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर 5 मिनट के लिए। ओए होए होए होए, मैं आपको बता नहीं सकती इतनी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है इस मसाले की कि मैं क्या ही बताऊं आपको। माशाल्लाह से बहुत ही आला खुशबू है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हम गरम मसाला शामिल करेंगे। अब खुशबू में और आएंगी बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। कि 5 मिनट के लिए हम बुनाई करेंगे, फिर इसमें इस मटन को गलाने के लिए हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी सिर्फ हम 2 प्याली इसमें शामिल करेंगे। इसको हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको ढक्कन देके हम स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि मटन गल जाए। 5 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए और मटन जो है हमारा तैयार हो जाए। तो इसको हम गलने के लिए छोड़ते हैं, तो मिलते हैं जब तक ये तैयार हो जाए। ये हमारा मज़े का मटन जो है तैयार हो गया है। आखिर में इसके अंदर लंबा लंबा अदरक, सब्ज़ मिर्चें और धनिया हमने शामिल किया और 1/2 टेबल स्पून हमने गरम मसाला शामिल किया है। मटन आप चेक कीजिए कितना अच्छा टेंडर हो गया है, अच्छे तरीके से गल गया है। मटन पुन्ना की इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए।